अस्सलाम वालेकुम आपा। क्या हुआ आपा? सादा मासूम मत बनो। तुम हम बहन भाइयों को आपस में लड़वाना चाहती हो ना? जिस दिन से तुम इस घर में आई हो ना, तुम्हारी यही ख्वाहिश है। शाहिन आपा, मुझे आप लोगों को लड़वा के क्या मिलेगा भला? मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। अच्छा, तो फिर मेरा वो भाई जिसके लिए मेरी हर बात हुक्म का दर्जा रखती थी, आज वो मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बहस कर रहा है, वो भी सिर्फ तुम्हारी बहन की वजह से। फरियाल का कसूर नहीं, ये ख्वाहिश सुहेब की। जब तक लड़की खुद आगे ना बढ़े ना, किसी लड़के की मजाल नहीं है कि वो कुछ करे। अब मैं तुम्हारी बहन से खुद बात करूंगी, वो भी अपनी जबान में, समझी तुम? माशाल्लाह, आपकी तजवीज तो बहुत अच्छी हो गई है। ऐसे ही मेहनत और लगन के साथ पढ़ती रहेंगी, इंशाल्लाह कुरान शरीफ खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह फरियाल बाजी, ये सब आपकी मेहनत है, वरना मैं कुरान शरीफ पढ़ ही नहीं सकती। अगर किसी भी काम को मेहनत और लगन के साथ किया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। ये तो है बाजी। अच्छा ये तो बताइए, अब कारी साहब की तबीयत कैसी है? अब बहुत बेहतर है, आज तो मस्जिद भी गए हैं, इसलिए आप सबको दर्स के लिए बुलाया है। मगर अब मैं आगे दर्स जारी नहीं कर पाऊंगी। कहाँ है हमारा तंकल? हाँ, ये तरबियत की है उन्होंने तुम लोगों की? तुम तो बड़ी हयादार बनती थी, मेरे भाई के साथ चक्कर चलाते हुए कहाँ मर गई तुम्हारी शर्म? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं? अरे बुलाओ ना अपने अब्बा को। एक भाई को तो तुम लोगों ने हमसे छीन ही लिया है, लेकिन दूसरे को छीनने नहीं दूंगी। अब्बा जी मस्जिद गए हुए, आप प्लीज जाएं यहाँ से। ये अच्छा है भाई, ये बहुत अच्छा है। कारी साहब दूसरों को तो दर्स देते फिर रहे हैं और उनके अपने घर में क्या कुछ हो रहा है इसकी तो उनको फिक्र ही नहीं है। आप सब जाइए। अरे इन्हें कहाँ भेज रही हो? इनको भी तो पता चले कि तुम्हारे करतूत क्या हैं। ये तुमने दूसरे लोगों के सामने पाक दामनी का लिबादा ओढ़ रखा है ना, इसकी मुद्दत अब खत्म होने वाली है। बस कर दे शाहिन भाजी, अब एक लफ्ज भी फरियाल के खिलाफ मत बोलिएगा। आप मेरे साथ घर चलिए। आए तुम यहाँ क्या कर रहे हो जुहेब? और अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारी मौजूदगी में मैं खामोश हो जाऊंगी तो ये तुम्हारी भूल है। खुदा के लिए शाहिन भाजी, आप मेरे साथ घर चले, मैं आपको सब समझा देता। इसे कुछ मत बोले, इसका कोई कसूर नहीं है। वाह भाई वाह, क्या मोहब्बत है, जरा शर्म नहीं आ रही ना तुम्हें एक गैर लड़की के सामने मेरी बेइज्जती करते हुए? क्या हो रहा है यहाँ पर? आइए पूछे अपनी बेटी से, कब से चल रहा है ये सब कुछ? जब भी तो कहूँ कि जुहेब हर दूसरे दिन इस घर के चक्कर क्यों लगा रहा है, लेकिन आपको तो कोई खबर ही नहीं है। कहीं एक लफ्ज भी और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अरे मेरी बेटी मेरा फखर है, मान है मेरा, और इसके हलाल खिलाए मैंने अपनी औलाद को। अल्लाह का खौफ डाला है अल्लाह रब्बुल इज्जत का उनके दिल में, और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो वो खुदा की हुक्म अदूली नहीं करता। फौजिया अपनी नन को ले जाओ यहां से। हां जा रही हूं, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके घर में डेरे जमाने का, लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, अगर फरियाल ने जुहेब के बारे में सोचा भी तो अच्छा नहीं होगा, समझा ले अपनी बेटी को। जुहेब अपनी बहन को ले जाओ यहाँ से, बेअदबों की जगह नहीं है इस घर में। खुदा के लिए बाजी अब चले यहाँ से। तो यहाँ से तुम कहाँ जा रही हो? तुमने क्या सोचा तुम्हारे बाप से इतना जलील होने के बाद तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी? अरे बड़ा फखर है ना इनको अपनी बेटियों के ऊपर, तो सीने से लगा के रखे। अरे भाभी ने क्या किया? मैंने कहा चलो। हाँ जी शाहिन जी, ये क्या कह रही है, इसमें इसका क्या कसूर है? अरे चलो। अच्छा